हे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास टेंथ की लिटरेचर की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका टाइटल है द ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। तो पहली चीज, टाइटल में हमें यह पता लगता है कि ट्रायंफ का मतलब है विक्ट्री, जीत। और यहाँ जो वर्ड है ना सर्जरी, यहाँ पर सर्जरी का मतलब कोई वैसी सर्जरी नहीं है कि जो डॉक्टर्स करते हैं कि भाई चीर फाड़ कर दिया, ऐसा कोई सर्जरी नहीं है। यहाँ सर्जरी का मतलब है एक वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी मतलब एक जानवरों का डॉक्टर, अपने तरीके से अपने हॉस्पिटल में कुछ डॉग्स का इलाज करता है, कुछ कुत्तों का इलाज करता है। तो वो जिस जगह इलाज करता है उस हॉस्पिटल को, उस रूम को, उसके तरीके को कहा गया है सर्जरी। यानी जो डॉक्टर साहब हैं वो जिस तरीके से, जिस मेथड से अपने हॉस्पिटल में उन कुत्तों का इलाज करते हैं, उस प्रोसेस को कहा गया है सर्जरी इस चैप्टर के हिसाब से। तो अब अगर मैं बात करूं थीम की, तो इस चैप्टर की दो थीम है। पहली है बॉन्ड ऑफ लव, यानी आपका किसी से अगर रिश्ता है तो वो रिश्ता कितना गहरा है, कितना प्यार है उसमें। दूसरा आपका है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है। अब ये दोनों थीम किस तरीके से काम करती है, क्यों मैंने ऐसा कहा, वो भी आपको चैप्टर में पता चलेगा। अब अगर बात करें इस चैप्टर में कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले है एक डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी, उसको खाना बहुत पसंद है, और जो उसकी मास्टरेस है, जो उसकी ओनर है, जो उसकी केयर टेकर है, जो उस कुत्ते की देखभाल करती है, उन लेडी का नाम है मिसेस पम्फ्री। और मिसेस पम्फ्री जो है वो कुत्ते को बहुत लाड़ करती है, बहुत प्यार करती है। वो उसको इतना खिलाती है, इतना खिलाती है कि कुत्ता ना बस ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो जाता है। ब्लॉटेड सॉसेज ऐसे मान के चलो जैसे हद से ज़्यादा सूज जाना, बहुत ज़्यादा सूज जाता है कुत्ता, बहुत ज़्यादा फैल जाता है अदरक की तरह कहीं से भी। तो अब ये जो है हमारे तीसरे कैरेक्टर, ये हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक नोन है, एक फैमिलियर पर्सन है मिसेस पम्फ्री से, वो उनको जानते हैं। और वो उनको ये भी इंडिकेशन देते हैं कि भाई तुम्हारा जो डॉग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी तुम्हारा कुत्ता चॉकलेट केक, चॉकलेट्स केक और वाइन पी पी करना, चॉकलेट खा के, केक खा के, वाइन पी के ना बहुत मोटा होता जा रहा है। और अब इसको ज़रूरत है कि आप इसका वजन कम करो, वरना कुछ दिनों में आपके कुत्ते की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन लेडी उसकी सुनती नहीं है। तो ये डॉक्टर हैरियट जो है, ये आपके मेन कैरेक्टर हैं, जो हैं आपके एक वेटरनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर। नेक्स्ट इज योर जो, जे ओ ई जो। जो एक वो कुत्ता है जो जेम्स हैरियट यानी डॉक्टर के सर्जरी में है, जिसको डॉक्टर साहब डॉक्टर जेम्स हैरियट उसका उसकी भी देखभाल कर रहे हैं। तो बिना टाइम खराब करे अब चलिए जल्दी से बात करते हैं समरी की। तो जैसे मैंने आपको भी बताया, एक लेडी है, उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे, उनके पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। उस डॉग को चॉकलेट्स और केक बहुत पसंद है, फेवरेट है उसका ये। तो लेडी उसको हर टाइम चॉकलेट खिलाना, केक खिलाना, पूरे दिन उसको चराती रहती है, पूरे दिन उसको खिलाती है। अब वो क्या है, वो कैसा हो गया, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। ऐसा लगता है कि जैसे कोई टांग कहीं फैल रही है, कोई टांग कहीं फैल रही है। मतलब आसान भाषा में ये है कि जो कुत्ता है ही इज टू फैट टू वॉक, वो इतना मोटा हो चुका है, उसकी खाल चर्बी हर जगह से इस तरीके से निकल रही है कि वो चल ही नहीं पा रहा, बस बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है, कोई टांग कहाँ है उसे खुद नहीं पता। तो जब हमारे डॉक्टर साहब एक दिन इस कुत्ते की हालत को देखते हैं, तो वो लेडी से कहते हैं कि मैम, मिसेस पम्फ्रे, अब आपको शायद इस डॉग को मेरी सर्जरी में भेजना चाहिए, ये कुत्ता ठीक नहीं है। वो लेडी नहीं मानती, कहती नहीं ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो कहते नहीं जी ठीक है। अब डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनको ये पता था कि कुछ दिनों में ये औरत मुझे वापस कॉल करेगी, क्योंकि इस कुत्ते की हालत बिगड़ने वाली है। एंड द सेम थिंग हैपेंड, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो डॉग था ट्रिकी, वो खा खा के इस तरीके से अपने शरीर को खराब करने लगा कि उसकी आंखें ब्लड शेड हो गई, आंखें बिल्कुल लाल हो गई, उल्टी पे उल्टी हो रही हैं, कॉन्स्टेंटली वेल, WAIL, वेल का मतलब पेन, कुत्ता दर्द में है, बहुत दर्द में है। एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ ल्यूम्बेगो, LUMBAGO, ल्यूम्बेगो। ल्यूम्बेगो मतलब होता है बिल्कुल लिस्टलेस। उस कुत्ते में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, अब यूज फॉर नथिंग हो चुका है इस टाइम वो। तो जब उस लेडी ने फोन करा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, और ना ट्रिकी को बाउट्स हो रहे हैं, बाउट्स मतलब उल्टियां हो रही है लगातार, वो कुछ भी नहीं खा रहा, उसके दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ भी करो। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप एक काम करिए, इसको मेरे पास लेकर आइए।
डॉक्टर को पता था कि ये लेडी लेकर आएगी, इसीलिए डॉक्टर ने पहले से ही पूरी पूरी अरेंजमेंट्स कर रखी थी डॉक्टर हैरियट ने। लेडी लेके पहुंचती है, सारी कंडीशन बताती है कि भाई इसको उल्टी हो रही है, इसके एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द है इसके, ये कुछ नहीं खा रहा, मैं इसकी फेवरेट चीज़ दे रही हूँ इसको, अंडे ब्रेड, और मैं इसको चॉकलेट दे रही हूँ, केक दे रही हूँ, कुछ नहीं खा रहा, और डॉक्टर साहब वाइन भी नहीं पी रहा। तो उसने पूछा भाई आप इसको वाइन क्यों पिलाती हो, तो कहती है इसको तो मैं वाइन ना इसीलिए पिलाती हूँ जिससे इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। कहता अच्छा जी, तो खिलाती क्या क्या, वो बता देती कि मैं दिन में इसको इतनी बार ये खिलाती हूँ, ये खिलाती हूँ, ये खिलाती हूँ, सब खिलाती हूँ मैं। डॉक्टर कहता है ठीक है, अब आप इसको कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़ जाइए, फिर हम जैसे ही ठीक होगा आपको बता देंगे। लेडी का मन नहीं था जाने का, बिल्कुल मन नहीं था, बट बाई सैडन्ड हार्ट बहुत उदास मन से वो चली जाती है। अब डॉक्टर जो होता है वो पूरी तरीके से ट्रिकी पर अपना कंसंट्रेशन रख देता है बाकी कुत्तों के साथ जो उसके सेंटर में थे, सेंटर मतलब उसकी सर्जरी में थे। अब होता क्या है, स्टार्टिंग के दो दिन ट्रिकी बस एक ही जगह पड़ा रहता है, एक ही जगह पड़ा रहता है, उठता नहीं है वहां से, हिलता नहीं है वो। और डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी जो डॉक्टर ने प्लानिंग करी थी ठीक करने की, उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रेजाइम, REGIME। रेजाइम का मतलब था एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट कि भाई इस कुत्ते को किस टाइम कितना खाना देना है और क्या देना है। तो डॉक्टर साहब क्या करते थे, उसको खाना कम देते थे, पानी ज्यादा देते थे, दो दिन तक उन्होंने उसको खाना ही नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया, और वो कुत्ता इस हालत में था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अगर उसको पानी पीना है तो उसको हिलना तो पड़ेगा। अल्टीमेटली व्हाट डिड द डॉक्टर डू, डॉक्टर ने किया क्या, डॉक्टर ने उस कुत्ते से फिजिकल एक्सरसाइज कराने की कोशिश की। दो दिन तक वो कुत्ता हिला ही नहीं, तीसरे दिन जब उसने ये देखा कि जो बाकी कुत्ते हैं, बाकी कुत्ते थे उनमें कुत्ता भी था जो, जिसका मैंने भी नाम बताया था, वो सबसे तेज था, सबसे क्विक था वो कुत्ता। तो डॉक्टर क्या करते थे, वहां एक साइड पे पांच डॉगीज खड़े, यहाँ पर पांच बाउल रख दिए, उन पांच डॉगीज में एक ट्रिकी भी है, तो चार अदर डॉगीज हुए और पांच वो आपका ट्रिकी। तो इन चार कुत्तों के लिए पहली बात तो ये कि जो डॉगी था हमारा ट्रिकी, ये इनके लिए एक अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड मेंबर था, भाई ना पसंद नहीं आया वो, क्यों, क्योंकि आराम से पड़ा हुआ है और बाकी चार कुत्ते खाने के लिए लड़ने जाते हैं, जो पहले खा लेता है अपना खाना खत्म करके वो दूसरे की कटोरी में, दूसरे के बाउल में खाने लगता है। तो यानी बाकी जो डॉग्स थे उस सर्जरी में, दे हैड अ फाइटिंग कॉम्पिटिशन, उनके बीच में लड़ाई थी, कॉम्पिटिशन था कि कौन पहले खाना खत्म करेगा, कौन जल्दी वहां पर पहुंचेगा। अल्टीमेटली देवर इन द स्टेट ऑफ डूइंग फिजिकल वर्कआउट, वो कुत्ते फिजिकल वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन ट्रिकी भाई साहब ऐसे ही पड़े हुए हैं अपना आराम से। तो दो दिन तक तो ट्रिकी पड़ा रहा पानी पानी पी पी के बस। तीसरे दिन ट्रिकी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, जो से इस कुत्ते से उसको थोड़ी इंस्पिरेशन मिली, इसने सोचा मैं भी जाके देखता हूँ, क्या क्या पता मैं भी अपनी कटोरी तक पहुंच जाऊं। लुढ़कते लुढ़कते भाई रोलिंग, चल नहीं पाया ट्रिकी, ट्रिकी रोल करता हुआ गोल 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 घूमता घूमता अपनी कटोरी तक पहुंचा, लेकिन तब तक खाना खत्म हो चुका था। चौथे दिन सेम चीज हुई, लेकिन इस प्रोसेस में हुआ ये कि जो ट्रिकी था वो फिजिकल वर्कआउट करता रहा, पानी पीता रहा, बैलेंस डाइट उसको मिलती रही, और उसकी जो कंडीशन थी वो कॉन्वर्सिंग होने लगी। कॉन्वर्सिंग का मतलब होता है इम्प्रूव, रिकवर। तो ट्रिकी की कंडीशन चौथे दिन थोड़ी सी इम्प्रूव होने लगी। अब जो लेडी है मिसिज पम्फ्री, वो रोज फोन कर देती है, डॉक्टर साहब मैं तो अंडे भिजवा रही हूँ, डॉक्टर साहब मैं तो वाइन भिजवा रही हूँ, डॉक्टर साहब मैं तो केक भिजवा रही हूँ। डॉक्टर ने बोला भिजवा दो जी जो भिजवाना है। लेडी ने अंडे भिजवा दिए बहुत सारे, वाइन भिजवा दी, चॉकलेट केक पता नहीं क्या क्या भिजवा दिया, वो सब डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ के लोगों ने खाया। डॉक्टर ने वो चीज़ है ट्रिकी तक पहुंचने ही नहीं दी, क्योंकि उसको पता था इसी खाने की वजह से ट्रिकी की हालत खराब हुई है, एंड ही हैड टू मेंटेन दैट रेजाइम। रेजाइम मीन्स वही प्रॉपर डाइट उसको मेंटेन करनी थी। फिफ्थ डे आते आते ट्रिकी इस कंडीशन पर पहुंच गया कि वो अपने खाने तक भागते जाने लगा, उसको बाकी कुत्तों से कम्पीट करने में मजा आने लगा। अब जैसे ही डॉक्टर को ये लगा कि भाई अब ट्रिकी ठीक हो चुका है, डॉक्टर ने सोचा कि मैं मैडम को कॉल कर देता हूँ, मिसेस पम्फ्रे को कॉल कर देता हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ और आई कि यार मेरा मन कर रहा है मैं उस कुत्ते को अपने पास रख लूँ, मुझे क्या हो गया इससे, प्यार हो गया, दैट इज बॉन्ड ऑफ लव, मुझे क्या हो गया इससे, बॉन्ड ऑफ लव, यानी मेरा इससे कनेक्शन बन चुका है, मैं इसको नहीं दूंगा। बट ही टुक अ वाइज डिसीजन, उसने एक बहुत वाइज डिसीजन लिया। उसने क्या वाइज डिसीजन लिया कि भाई ये जिसका है उसको वापस कर देना चाहिए। ऑल्दो ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न द डॉग, येट ही डिड।
नहीं चाहता था लेकिन कर दिया। उसने लेडी को फोन करा, बोला कि भाई अब आप आ जाओ और आपका कुत्ता एक स्वार्म की तरह हो गया। SWARM, स्वार्म का मतलब होता है फ्लाइंग इंसेक्ट, जैसे ततैया मधुमक्खी ये दौड़ जाती है एकदम से, ऐसे कुत्ता हो गया था ट्रिकी, घोड़े की रफ्तार एकदम। तो उसने बोला आ जाओ जी तुम्हारा कुत्ता ठीक हो गया। लेडी इसको लेने आई और जैसे ही लेडी ने अपने डॉग को देखा, ट्रिकी एकदम से ही लेफ्ट ओवर द लेडी, वो लेडी के ऊपर कूद गया। लेडी ने उसको बहुत प्यार किया, कुत्ते ने भी लेडी को बहुत प्यार किया। अब जो डॉक्टर था वो थोड़ा सा उदास होने लगा, मिस्टर हैरियट उदास होने लगे, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो और ही डिड नॉट वॉन्ट टू लेट ट्रिकी गो, वो नहीं चाहते थे ट्रिकी जाए। बट दिस इज द फेज ऑफ लाइफ, और यही जिंदगी का असली मकसद है कि भाई आपको अगर खुशी मिल रही है तो दुख भी मिलेगा, ये बात हैरियट जानते थे। एंड दैट इज वाई ही डिडंट आस्क द लेडी एनीथिंग, उन्होंने बोला आपका कुत्ता मैडम ठीक हो गया है, अब आप इसको लेकर जा सकती हैं। और ध्यान रहे ये इस कुत्ते का प्रॉपर डाइट चार्ट है, अगर आप इसको डाइट चार्ट के हिसाब से नहीं खिलाएंगी ये फिर से बेकार हो जाएगा। सो इसको एक्सिस में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, प्यार भी एक्सिस में नहीं मिलना चाहिए। मिल रहा है तो फिर आपको उसी हिसाब से इसको वर्कआउट कराना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज करानी होगी। लेडी कहती है बिल्कुल ठीक, लेडी धन्यवाद करती हैं बहुत, वो उसको फिर से गाड़ी में डालती हैं अपने साथ ट्रिकी को और जाने लगती हैं। जब वो जाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज whatever डॉक्टर हैरियट हैड डन फॉर हर इट वॉज मोर देन एनीथिंग एल्स, जो भी उस डॉक्टर ने लेडी के लिए किया था वो शायद उस लेडी के लिए सबसे बड़ी चीज थी, सबसे बड़ा गिफ्ट था। क्यों? क्योंकि उस लेडी की जिंदगी में उस डॉगी से अलग, ट्रिकी से अलग कोई था ही नहीं। शी लव्ड हिम द मोस्ट, वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपने बच्चे की तरह, और उनका बच्चा ठीक हो गया। किसने किया? डॉक्टर हैरियट ने। इसीलिए वो आंसू जो थे देवर नॉट ओनली द टीयर्स, वो थैंक यू था, इनफाइनाइट थैंक यू, इन ग्रेटिट्यूड था। वो क्या कर रही थी? उनको अपना थैंक यू शो कर रही थी, उन्होंने लास्ट में थैंक यू बोला। और जो लेडी थी वो साथ में ये भी देख सकती थी कि जो मिस्टर हैरियट है वो भी नहीं चाहते कि ट्रिकी जाए। उसने लेडी ने डॉक्टर की आंखों में वो दर्द देख लिया, शी डिड नॉट डिनाई, उसने मना नहीं किया, उसको पता लग गया कि हाँ भाई ये भी चाहता है कि डॉगी इसके साथ रहे। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। तो जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं वो सब अंडरलाइन है यहाँ पर, जो जो मेन वर्ड हैं वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जैसे रेजाइम बता ही चुका हूँ मैं आपको, स्क्रिमेज, स्क्रिमेज का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड स्ट्रगल। जैसे थर्ड डे क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ था, ट्रिकी खाने के पास जाना चाहता था लेकिन पहुंच नहीं पाया, क्यों? अपने वजन की वजह से। तो वो रोल करता हुआ वहां पे पहुंचा, तो जब तक उसने रोल नहीं कराता तब तक वो कंफ्यूज था, मैं कैसे पहुंचूं, तो दैट इज कॉल्ड ए स्क्रिमेज। स्वाम मैं आपको बता चुका हूँ, कन्वर्जिंग का मतलब होता है रिकवर होना, लॉल LOLL, लॉल का मतलब होता है हैंगिंग लूजली, मतलब खाल कहीं से भी लटक रही थी। नेक्स्ट इज योर लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है स्लंपी, स्लंपी मतलब जिसमें एनर्जी बची ही नहीं होती, एनर्जी लेस। लास्ट ब्लड सोसेज, ब्लड सोसेज मैंने आपको बता दिया कि फूड आइटम खा खा के जो बिल्कुल सूज जाता है, फैल जाता है, दैट इज ब्लॉटेड सोसेज। तो दोस्तों चैप्टर खत्म, एक्सट्रैक्ट सारे खत्म, वर्ड मीनिंग्स मेंशन है, सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी मेंशन है इसी चैप्टर में, एंड देन मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। बाकी यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। थैंक यू गाइज़।